मिडिल स्कूल की शिक्षा शांति बेसिक पब्लिक स्कूल सुमेरा से किया, और वहाँ पे मतलब कि हमारा सिचुएशन ऐसा नहीं था कि वहाँ फ़ी दे पाते, लेकिन वहाँ पे मतलब वहाँ के डायरेक्टर सर ने एक भी रुपया फ़ी में नहीं लिया, फ्री कर दिया। खुशी है सबको, गांव भर की खुशी है इसके लिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ सौम्य राठी। बिहार बोर्ड मैट्रिक की परीक्षा के रिजल्ट जारी होने के बाद अब लाइव सिटीज के जरिए हम आपको जिलों के टॉपर से भी रूबरू करवा रहे हैं। इस वीडियो में आपको जहानाबाद की टॉपर प्रियांशु कुमारी से मिलवाने वाले हैं। प्रियांशु की कहानी अगर आप सुनेंगे तो आपका दिल खुद भर आएगा, क्योंकि कहानी ही ऐसी है। प्रियांशु के सर से उनके पिता का साया कई सालों पहले ही हट गया था। ऐसे में जिंदगी काफी मुश्किल रही, लेकिन प्रियांशु ने अपनी जिंदगी अपनी दादी के सहारे जी है। अपनी पढ़ाई की लगन और उनकी दादी की हिम्मत की वजह से ही आज इतना बेहतरीन वो रिजल्ट लेकर आ पाई हैं कि 472 मार्क्स लाकर, यानी कि 94.4% लाकर वो जहानाबाद की टॉपर बन चुकी हैं। कई ऐसे पड़ाव आए थे जब गिव अप करने की बात हो सकती थी। कई बार ऐसा लगा कि दादी पोती ने ये सोच लिया था कि शायद आगे की पढ़ाई नहीं हो पाएगी, लेकिन दोनों ने ही हिम्मत नहीं हारी। दादी ने ठान रखी थी कि अपनी पोती को पढ़ाना है, लिखाना है, कुछ ज़रूर बनाना है, और पोती ने भी ठान रखी थी कि दादी का नाम रोशन कर उन्हें एक बेहतर ज़िंदगी देनी है। और जब रिजल्ट आए तब ये साफ हो गया कि प्रियांशु ने अपने कदम उस बेहतर कल की तरफ बढ़ा लिए हैं। जहानाबाद की वो टॉपर बन गई हैं और कितनी खुश है प्रियांशु और उनकी दादी, जरा पहले वो सुनिए। बहुत अच्छा लग रहा है, क्या बहुत खुशी मिली कि मेरा नाम मैट्रिक के एग्जाम के रिजल्ट में टॉपर लिस्ट में आया है। इसके लिए सबसे ज्यादा तुम मैंने किसको श्रेय देना चाहती? इसका श्रेय मेरी फैमिली को, मेरे टीचर्स को, और मतलब कि जो मिडिल स्कूल का शिक्षा हमको मिला उसको, मतलब अगर वो नहीं होता तो शायद आज इस मुकाम पे नहीं रहते। आगे क्या लक्ष्य? आगे लक्ष्य IAS ऑफिसर बनना है और देश का सेवा करना है। अच्छा, तो कहाँ से पढ़ाई किए थे, कौन से स्कूल से? मिडिल स्कूल की शिक्षा शांति बेसिक पब्लिक स्कूल सुमेरा से किया, और वहाँ पे मतलब कि हमारा सिचुएशन ऐसा नहीं था कि वहाँ फ़ी दे पाते, लेकिन वहाँ पे मतलब वहाँ के डायरेक्टर सर ने एक भी रुपया फ़ी में नहीं लिया, फ्री कर दिया। अच्छा, ये बताओ फिर फॉर्म कहाँ से भरे थे? फॉर्म अलीगंज हाई स्कूल से भरे थे, वहाँ पे भी टीचर्स का काफ़ी सहयोग रहा, और मतलब कि कोरोना काल में भी टीचर्स के कांटेक्ट में रहकर पढ़ाई किए, तो वहाँ से भी काफ़ी सहयोग रहा। ये आपको लग रहा है? खुशी लग रही है। आपने तो पढ़ाने के लिए उसको मना कर दिया था? हाँ। क्या परिस्थिति के अनुसार, जैसे हमको परिस्थिति नहीं था। क्या अब जैसे घर में कोई गार्जियन नहीं है तो कौन ऊपर से ना है कोई विकास है, तो हम कितना करते, उसी में मना किए कि नहीं पढ़ाएंगे, सरकारी में नाम लिखा देंगे। फिर भी मने तो कहें कि नहीं हम पढ़ा देंगे इनको। कौन बोले? जो इनको पढ़ाए ना टीचर, टीचर मंटू सर। तो ये पढ़ने के लिए इच्छुक थे? हाँ एकदम, कभी एक दिन स्कूल ने छोड़ लेते। हाँ। जाड़ा रहे, गर्मी रहे, बरसात रहे, कोई मौसम हम तो कभी दे कि आज न जब तैयो बरियरी से जबे करें, एक दिन स्कूल के मन गर हाजिर न हो। अभी कैसा आप महसूस कर रहे हैं गांव में रह करके, परिस्थिति नहीं था उसमें भी मैंने टॉप कर गई, तो खुशी है सबको, गांव भर की खुशी है इसके लिए। इसका श्रेय आप किसको देना चाहते हैं? किसको देते हैं? मास्टर अधीन मंटू सर के देते हैं, और किसको देते हैं? मेहनत ही की तो इसको दीजिएगा ना, उनको ना दे कहेंगे। अच्छा, आगे आगे कहाँ तक पढ़ाइएगा बच्चे को? अब हम का के इसका भविष्य न जाने, हमारा का पता है, पढ़ने की इच्छुक पढ़ने, पढ़ने के लिए तो बहुत कर रहे हैं कि हम पढ़ भी करें, लेकिन अब हम समय के का कर सकते हैं ठीक नहीं ना, इसको भाग जाने क्या है अपना। तो आपने सुना कि किस तरीके से प्रियांशु और उनकी दादी दोनों ही अपनी खुशी जाहिर कर रहे हैं, कितना बेहतरीन प्रदर्शन बोर्ड की परीक्षा में प्रियांशु कर रहा है, और साथ ही साथ जहानाबाद की वो टॉपर भी बन चुकी है और इतने अच्छे मार्क्स लेकर के आई हैं। दादी भी बहुत ज़्यादा खुश है, क्योंकि जो मेहनत उन्होंने अपनी पोती को पढ़ाने लिखाने में की है, कितनी कठिन से कठिन परिस्थितियाँ रही, कभी भी उनके आगे वो हार नहीं मानी उन्होंने, और अपनी पोती को पढ़ाने के लिए हर एक कोशिश की, और उनकी पोती ने भी उतनी ही मेहनत की, जिसका नतीजा
आज रिजल्ट्स के रूप में सामने आ चुका है। आपको ऐसे ही और टॉपर से मिलवाते रहेंगे, उनकी कहानियां क्या है सुनाते रहेंगे। आप चैनल के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। लाइव सिटीज के साथ आप ट्विटर पर भी जुड़ सकते हैं। धन्यवाद।